तो गाइस समर स्लैम के मैच कार्ड को लेकर एक थोड़ी सी अजीब अपडेट है जो इसकी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही में मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स एंड समर स्लैम के बारे में भी बात करेंगे और भी अपडेट्स है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। एंड गाइस यहाँ पर से जो है हमें इसकी रेटिंग्स आते हुए दिखाई देती हैं और गाइस यहाँ पर से हमें जो है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग जो है आते हुए दिखाई देती है, जो कि रेटिंग्स गाइस जो है थोड़ी सी अप हुई है एंड रेटिंग आई है गाइस मंडे नाइट रॉ को 1.765 मिलियन अच्छा नंबर तो वेल है फिलहाल। लेट्स सी और यहाँ पर इसलिए जो है रॉक एंड रोल देखने मतलब अच्छी चीज़ें होती, लेकिन वेल ओवरऑल शो एक शो एक ठीक ठाक शो था। तो वेल ये कुछ थी इसके रेटिंग्स। और बात करते गए हम लोग 22 जुलाई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर से ये जो शो होगा यहाँ पर बोस्टन के अंदर होगा, लेकिन गाइस ये कुछ बड़ी बातें नहीं है। इसका जो पोस्टर है उसके अंदर गाइस मेन सुपरस्टार फीचर किए गए रोंडा राउजी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रू मैकइंटायर है, रिकोशे, न्यू डे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस पोस्टर में साशा बैंक्स एंड नियोमी को पोस्टर पर फीचर WWE कर रही है। और गाइस मतलब WWE के मतलब कैसी इनके बैक स्टेज पर बातचीत है वेल सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी WWE इनको दिखा रही है। तो वेल गाइस मेरे ख्याल से WWE चेंज करेगी एंड गाइस लेट्स सी गाइस हमें क्या चीज़ें दिखाई देती इसके बारे में। एंड गाइस समर स्लैम के बारे में आपको एक बात बता दूं कि समर स्लैम के लिए WWE फिलहाल जो मतलब एक अच्छी सी कार यहाँ पर से बनाई है एंड यहाँ पर से जो है ये कुछ हमें जो है कार वगैरह दिखाई देती है समर स्लैम के रिगार्डिंग। तो वेल गाइस यहाँ पर कैसी ये चीज़ है कमेंट में बताना। एंड गाइस बाय द वे हम लोग बात करते हैं रॉक के बारे में। एंड गाइस रॉक ने WWE के बारे में एंड अपने रिटर्न के बारे में रिसेंट के इंटरव्यू में रिवील किया। एंड गाइस उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रेडी हूँ WWE में रिटर्न करने के लिए एंड जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं WWE में वापस आऊँगा। एंड गाइस रॉक का ये बहुत बड़ा कहना है। एंड गाइस लेट्स सी गाइस रॉक आते हैं, तो लेट्स सी गाइस कब आते हैं एंड देखते गाइस रॉक कब अपना रिटर्न करते हैं एंड अगले हफ्ते अगले साल के लिए रोमन रेस एंड रॉक के मैच के लिए देखते हैं क्या रॉक आते हैं या फिर नहीं। एंड बात करेंगे हम लोग समर स्लैम के मैचेस के बैटिंग ऑर्डर्स के बारे में, तो सभी के फ्रेश बैटिंग ऑर्डर्स निकल के सामने आ चुके हैं। रिडल एंड सेथ रॉलिंस का मैच होगा। इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस फेवरेट है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है रॉलिंस के लिए। पैट मैकेफी एंड हैप्पी कॉर्बिन के मैच के अंदर गाइस पैट मैकेफी फेवरेट है। लोगन पॉल एंड मिस के मैच के अंदर लोगन पॉल फेवरेट है। स्मैकडाउन वेमेंस चैंपियनशिप मैच के अंदर लिम मॉर्गन एंड रोंडा राउजी फेस करेगी, तो लिम मॉर्गन फेवरेट है। US चैंपियनशिप मैच में थियोरी एंड लैशली का आमना सामना होगा, तो लैशली फिलहाल फेवरेट है। रॉ वेमेंस चैंपियनशिप में बियांका बेलेर एंड बेकी लिंच आमने सामने आएगी, तो फिलहाल फेवरेट है बियांका बेलेर। उसोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच के अंदर उसोज फिलहाल फेवरेट है। एंड रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के अंदर अभी के लिए फिलहाल का इस अपने रोमन रेंस ही फेवरेट बताए जा रहे थे। कुछ फिलहाल रहे बैटिंग ऑर्ड्स। एंड बात करते समर स्लैम के बारे में, तो वेल समर स्लैम का कार्ड एकदम स्टैक है, बहुत मैचेस न्यूली एड हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद बैक स्टेज पर जिन्होंने इस मैच को बुक किया उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। वेल गाइस यहाँ पर से बात है कि जिन्होंने ये सारे मैच कार्ड्स वगैरह बुक किए उनको ही गाइस ये मैचेस पसंद नहीं आए। मतलब पता नहीं अब WWE मतलब क्या चीज़ें सोची है इन्होंने एंड क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फ़िलहाल ये कुछ है समर स्लैम के गाइस मैचेस हैं। एंड गाइस फिलहाल आज की हमारी वीडियो बस इतनी सी। एंड वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।